ठीक है, हो गया। ठीक है, हल्ला शांत कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। हम लोग हिस्ट्री क्या चीज देख लिए थे बाबू? हिस्ट्री में क्या चीज देख लिए थे? 1857 पढ़ा दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? गांधी युग। क्या करेंगे? देखिए, वो खास तात्पर्य नहीं रखता हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री बना भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। इतिहास पढ़ के इतिहास बनाया जाता है? कभी नहीं बनेगा आप लोग से इतिहास। इतिहास पढ़ के इतिहास नहीं बनाया जाता, रात दिन जग के इतिहास बनाया जाता है। समझ में आया? आज हम लोग क्या पढ़े हैं? गांधी युग। गांधी युग इतिहास के टॉपिक में VVI पॉइंट है। इतिहास के डॉट में, इतिहास के सब्जेक्ट में और मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट क्या है? वो गांधी युग। गांधी युग बोले तो आधा हिस्ट्री, कोई दिक्कत? गांधी युग में बोलता अंग्रेज पूरा युग में मिला था। युग को बोलते इरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पहले सबसे बढ़िया गांधी युग के पहले गांधी जी के बारे में जानने का। जान लेंगे बाबू? बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बाबू? MG मतलब महात्मा गांधी हर जगह देखिएगा अब रहेगा। कोई दिक्कत? पूरा नहीं लिखेंगे बार बार महात्मा गांधी, कोई दिक्कत? इनका जन्म बोलिए, 2 अक्टूबर 1800। एक बार हम 1869 के जगह लिख दिया 1896। एक व्यक्ति हमको पर्सनली आया बोलने के लिए, भैया आपको ही रहता है, आप क्या पढ़ाते हैं? पूरा आप भोरे वाला क्लास में ऐसे पढ़ाए, शाम वाला क्लास में उसे पढ़ाते हैं। हम बोले क्या पढ़ा दिए? बोला आप 1896 बोल दें। हम ओकरा बोले आपका चरण किधर है? इतना ध्यान हम पर रखने वाला, इसीलिए बोलता आपकी तारीफ करने वाले से ज्यादा किस पे ध्यान रखिए? बुराई करने वाले पे। तारीफ तो तारीफ जानते हैं कौन व्यक्ति करता है? चापलूसी लोग। जब भी कोई आपको तारीफ करे समझ जाइए आपसे कुछ काम होगा या कुछ न कुछ उसके मतलब ही होगा। तारीफ करने वाले व्यक्ति मतलब रखता है। क्या रखता है वो? मतलब। जैसे हम देखो लड़कियां लोग तुरंत तारीफ करते, कुछ काम रहे एकदम, भैया ने कहे हैं भैया काम करने के लिए बोले, ऐसे बोल दे वो काम करो मन से नहीं करे, और तारीफ दो कर दो फिर बोलो काम। काम भी मन से होगा और खुश भी रहेगी। तो वो महात्मा गांधी का जन्म कब? 1869। कोई दिक्कत बो? कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में एक गांव भी पड़ता है, उसका नाम क्या था? पोरबंदर। कोई दिक्कत? पोरबंदर मतलब जिले बोलो, कोई दिक्कत? कहाँ हुआ था बहु? गुजरात। कहाँ बहु? पोरबंदर में हुआ। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया। अब सुनिए बहु, इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बहु माने महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। कोई दिक्कत हो? जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इन्हें प्यार से क्या कहते थे? भाई कहते थे। कोई दिक्कत? इनके पिता करमचंद गांधी थे। बहु क्या थे? बहु करमचंद। इनके पिताजी का नाम क्या था? बहु कोई दिक्कत? कमर लिख देते हैं। कोई दिक्कत? ये था वो फादर गांधी भी लिख दे। अब सुनिए बहु, इनके पिताजी जो थे वो राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतली बाई। क्या था वो? इनकी पुतली बाई। देखिए बहू, पिताजी का नाम, माता का नाम, महात्मा गांधी के पूरा नाम। कमेंट में आंसर बोलिए महात्मा गांधी पूरा नाम। ठीक है, अब सुनिए बहू, 1833 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। देखिए महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ? 1833 में, जब उनकी अवस्था कितना था?
14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। किससे भाऊ? कस्तूरबा गांधी से। माने इनके वाइफ का नाम क्या था भाऊ? कस्तूरबा गांधी। क्या था भाऊ? आज हिंदी बहुत गलत दिखा रहा है, कोई दिक्कत? देखिए बहू, पिताजी कर्मचंद गांधी, कोई दिक्कत? मम्मी पुतली बाई, इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। शादी कब हो गया था बहू? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में बहू? 1883। 33 कैसे आएगा? 1883 में। कोई दिक्कत? यहां तक समझ आगे सबको? इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, एकर पापा का नाम करमचंद गांधी, इनका मम्मी का नाम पुतली बाई, इनकी वाइफ के नाम। शादी कब, कितने वर्ष में, कब हुआ? 1883 में। क्लियर यहां तक ले? अब सुनिएगा बाबू, विवाह हो गया। इनके चार पुत्र थे, गांधी जी कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। कितने बाबू? गांधी जी के पुत्र कितने थे? पुत्र कितने थे? चार। कौन कौन बाबू? कौन कौन बोलो तो? एगो हरिलाल, क्या दूसरा मनीलाल, तू लड़का ठीक बोल रहा है, बोलो। और बहु देखो, दू गो में तो लाल है, इतना और बचपन से याद है, हरिलाल मनीलाल, एगो दास दास रहेगा, कौन रहेगा बहु? रामदास। कितना बहु? अगला बहु देवदास। की बहु? हमको याद नहीं होता था तो हमको याद कैसे हुआ? दू गो लाल दू गो दास, एगो हरिलाल मनीलाल, रामदास देवदास है, दुगो में दास दुगो में लास दास है, ठीक है। गांधी जी कितने पुत्र? कोई दिक्कत? इनके पांच पुत्र था, एगो मानस पुत्र, मानस पुत्र जिसको गोद लिया था उसको भी बारे में बताएंगे, ठीक है। कितने पुत्र? कोई दिक्कत? कौन कौन? हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। कोई दिक्कत? हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास लिख दिए ना। चलिए अपने सुनिएगा बहू, आप बहू सुनिएगा, यमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज, कितने बहू? यमुना लाल बजाज, यमुना होता है, यमुना लाल बजाज। कोई दिक्कत? इनका पांचवा पुत्र था बहू, कोई दिक्कत? जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता था, पांचवा पुत्र को क्या बोलते थे? दत्तक पुत्र। आप लोग कमेंट ऑनलाइन बच्चे को क्या समझ में आया कमेंट में बोलिएगा, गांधी जी के पांचवा पुत्र को क्या कहते थे? दत्तक पुत्र। कोई दिक्कत? कभी भी अगर क्लास आप लोग के छूट जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास वीडियो चल रहा है, मेरा ऐप नहीं है, खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। किसी का भी कोई भी क्लास छूट जाए और किसी प्रकार का डाउट हो, मैथ संस्कृत हिंदी इंग्लिश कोई चीज भी डाउट हो, हमारे पास सारे टीचर भी उपलब्ध है, आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे देते हैं, किसी प्रकार का कहीं भी समस्या हो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और जो टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक पर वीडियो भी बना के आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, गांधी जी के पांचवें पुत्र क्या बोलते थे बहू? दत्तक पुत्र बोलते थे। कोई दिक्कत? दत्तक भी कहा जाता था। और देखिए बहू, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास, इनका पांचवा पुत्र कौन था बहू? यमुना लाल बजाज। ये गांधी जी के बहुत करीबी थे। क्या थे बहू? करीबी थे। ऐसे भी अपने पिताजी हमेशा दूसरे संतान को अच्छा बोलते, देखिए फलाना बेटा कितने अच्छा बोलता है ना, कभी भी तारीफ का सुन कान तरस जाता है, सुने अपना परिवार कब बोलेगा अच्छा, अच्छा बोलवे नहीं करता, नहीं बोलता, आखिर में अपने तपने होते, आखिर में बोलेंगे कब? जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब। नहीं पर बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लो, तब ना नौकरिया हो तो ना, जब तक पढ़ रहे हैं अच्छा नहीं बोलेगा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाए तब तक अच्छा बोलेगा, समझाया। 1888 में ये अपनी उस शिक्षा के लिए लंदन चले गए। महात्मा गांधी बहु लंदन कब गए? 1888 में। ये बहु 1888 में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, महात्मा गांधी उस शिक्षा के लिए लंदन कब गए? 1888, 1889, 1890, 1801 ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या मारिएगा? 1888 में। और वहां वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई करके पूरे भारत लौटे और नवम
और बंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किया। देखो भाव 1888 में गया, 1891 में चला आया और बंबई के राजकोट में वहां पर वकालत आरंभ किया। देखिए वो गए थे कब, 1888 में, आए कब 1891 में, 88, 89, 90, 91 मैंने कई साल पढ़े, फिर चला है, कोई दिक्कत। अब बंबई राजकोट में क्या किया, अपना वकालत आरंभ किया, कोई दिक्कत हो। यहां पर गया था मैंने यहां से गया 1891 वो कितना, वो 1891 में क्या चलाया कम, कोई दिक्कत। मैंने महात्मा गांधी लंदन कब गए, 1888 में, आए कब 91 में, क्या बन के आए लॉयर, अधिकार बोले वकील, बोले बोलता वकील, ठीक है। आ कहां आरंभ किया अपना केस लड़ने के लिए, बंबई से राजकोट में, अपना बंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किया। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चल गए। मारे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए जी, 1893। देखिए पहले इधर देखिए, 1888 में कहां गए, लंदन गए, कोई दिक्कत। गलत लिख दिया का, ठीक है। अब वो बताइए 1891 वो की वो लंदन से क्या चला है कम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बहु। आई अपना केस कहां, बंबई राजकोट से अपना क्या किए स्टार्ट, क्या किए बंबई राजकोट से क्या किए आरंभ मन स्टार्ट किए, कोई दिक्कत। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहां गए, दक्षिण अफ्रीका, 1893 में कहां गए, दक्षिण अफ्रीका, कोई दिक्कत बहु। देखिए बहु किसके केस में लड़ने के लिए गए, अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहां चल गए बहु, दक्षिण अफ्रीका के गए महात्मा, काय फ्री के दांत दिखा रहा है, दांत भी अच्छा नहीं है। पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आए तो बोलिए, स्टूडेंट को हमेशा लुक्स एंड बोर्ड, और आप लोग क्या करता है लुक्स एंड बॉडी। देखिए बहु आप घर के इकलौते क्या है, आप घर के इकलौते परिवार है, आपको लुक्स पे नहीं बुक्स पे ध्यान देना चाहिए, समझना है। इकलौता उम्मीद के मतलब समझते हैं, इकलौता उम्मीद के मतलब आंखों का तारा होना, जिसके घर में चार बहन एक भाई हो, उसका भाई का एक्सीडेंट हो जाए, समझा रहा कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। उसी प्रकार से भी आप लोग क्या है एक उम्मीद है, हाँ 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 समझ रहे हैं, एकलौता गवाह है आप लोग, और आप लोग क्या करते हैं रंग बिरंग मंच फंस जाते हैं, सिर्फ हमको देखे, हम देखे लाइक नहीं, मेरा लिखा हुआ ये तो इतना सुंदर लिखते हैं, देखिएगा नहीं लिखते हैं। इसीलिए स्टूडेंट का एक ही काम है, खाइए पिए पढ़िए, खेलिए भी मत, खेल लीजिएगा जी, ज्वाइनिंग लेके खेल लीजिएगा, नौकरी लेके खेले की छत मर जाता है। इधर देखिए हमेशा हमेशा बोलते हैं बैठने की जगह नहीं है तो क्या दिक्कत है, एडजस्ट करके देखेंगे, आंख आंख इतनी जगह लेता है, देखिए 2 सेंटीमीटर लेता होगा, ज्यादा 3 सेंटीमीटर लेते हैं ना जी, बस चप के देख लेगा। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग आराम से देखिए बैठने की जगह नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए वो 1888 में कहां गए, लंदन गए, वहां से वकालत करके आए के वो महात्मा गांधी कब आए थे, 1891 में, कोई दिक्कत। 1891 का अलग बात, 2 साल यहां रहा, 91, 92, 93 में कहां चल गए, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहां चल गए, कोई दिक्कत।
1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य वकालत करने लगे, फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। कब किया? 1894 में। 1894 में नेटाल, क्या बो नेटाल नहीं बोल दीजिएगा, नेटाल इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। कोई दिक्कत? कांग्रेस जब भी बात आता है ना तो एक शेर याद आता है, पता है, आप हमें बीजेपी की तरफ प्यार तो करिए, हम कांग्रेस की तरफ बर्बाद हो जाएंगे। बेचारा कांग्रेस बर्बाद ही हो गया, उसका नामो निशान आप लोग को पता चलता है कि कांग्रेस कुछ था पहले? बहुत 25 से 30 साल कांग्रेस राज किया था, क्या किया? देश को बिगाड़ के रख दिया था, क्या कर दिया? वो दिक्कत। और आप देखिए बीजेपी खात में, नहीं चाह के भी आप बीजेपी को वोट दीजिएगा, है इसका कोई एंटी पार्टी मेरा स्ट्रांग पार्टी नहीं है, समझा? जैसे गांव में पिंटू साहब खड़ा हो गया, 2000 नोट सबसे बंटवा दिया, सारा वोट किधर चल गया? हम तो कहते हैं ना, जिस तरह हम लोग के गवर्नमेंट जॉब देने से पहले कंपटीशन एग्जाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से नेता लोग को नेता में खड़ा होने से पहले उन लोग को भी क्या लेना चाहिए? एग्जाम लेना चाहिए, अब लेटी वाला पास होगा नेता। ये अंगूठा छाप जो हम लोग को चला नहीं सकता, लेकिन मुखिया बनने के बाद, विधायक बनने के बाद एसआई दरोगा के बीपीसी के ऑफिसर के चला देता है, ये कुछ नॉलेज नहीं है, समझा? या कंपटीशन कर देता है सब में भी, या आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए तो फॉर्म भरिए नेता वाला, समझा? या लेकिन यहां हो ही नहीं सकता, हमारा बस कुछ है नहीं, हमारा बस में आप लोग है और आप लोग भी क्लासे भर में, बाहर में अपना बस भी नहीं है वो भी। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी का नियम न समझ में आए, नहीं कुछ समझ में आए, बड़ा तैयारी कीजिए। नहीं बोलता है गो टू द अप चेंज द सारे रूल, माने आप मेहनत करके ऊपर जाइए, ऊंचा कोई पोस्ट बनिए, सारा नियम बदल दीजिए। अगर आप आईएएस बन गए अपना जिला का तो सारा नियम बदल दीजिएगा, एसडीएम बन गए, चलो हटाओ सब गाड़ी हटाओ यहां से, आप आइएगा लगता है गाड़ी को रोक देगा मार्केट में, सारा हट जाएगा। अगर आप एक जिला का मालिक बन गए, बन जाइएगा आईपीएस ऑफिसर, तो अपना जिला में ना बदल सकते नियम, नहीं जी आज मार्केट नहीं लगेगा संडे के, अब लगेगा मंडे के लगेगा, आपका बात फॉलो किया जाएगा, नहीं यहाँ पर कोई चौराहे पर मार्केट नहीं लगाएगा, सब मार्केट खाली, दुकान से कोई चुंगी नहीं काटेगा, कोई चुंगी नहीं काटेगा, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं किसी का नियम नहीं चले, नहीं समझ में आए, नहीं पसंद आए, उसको मारिए लाती, कब? उससे बड़ा अधिकारी बन के चिल्लाइए मत कि ये नियम पसंद नहीं है, नियम बदल दीजिए, ऐसा काम कीजिए। तो उसके लिए एक ही हथियार है, क्या? शिक्षा, ठीक है। गांधी जी क्या किए थे 1894 में? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, कहां बहु? दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र की समीप डरबन में पीटर मार्निक वर्ग स्टेशन पर इन्होंने ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया था। माने बहु पीटर मार्क एक स्टेशन था, इन्हें क्या ढकेल गया था? नीचे ढकेल दिया गया था, किन्हें? महात्मा गांधी को। आप लोग आंसर में कमेंट दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी ट्रेन से महात्मा गांधी को नीचे ढकेल दिया गया था, ठीक है? क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना जाता था। पहले बहु भारतीयों को किनके समान जाना जाता था? कुत्तों को समान। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा बहु, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी माफी मांगनी पड़ी। पहला बार गांधी जी अंग्रेज को कब झुकाया था बहु? 1894 कोई दिक्कत, पीटर मार्क्स स्टेशन से ढकेल दिया गया था तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, कि कौन सरकार को? ब्रिटिश सरकार से। कोई दिक्कत? ब्रिटिश सरकार मांगा था किन्हें? गांधी जी से। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। तुमसे पूछा जाएगा बहु, पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी भारतीयों के लिए कहां से स्टार्ट किया? पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किया था बहु, के महात्मा गांधी किनके लिए? भारतीयों के लिए। कोई दिक्कत? की नहीं चंपारण ने सत्याग्रह सब मान लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कहां बहु? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, किनके लिए? भारतीयों के लिए। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है ना? आज धनतेरस है क्या? आप लोग को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, खरीदिएगा तो कुछ नहीं हम पता है, लेकिन शुभकामनाएं देते हैं, आप लोग दीपावली मनाइएगा अच्छा से। कोई दिक्कत? देखिए हम ये नहीं कहते पोल्यूशन मत कीजिएगा, हम ये कहते कि अपने आप को केयर कीजिएगा, समझाया? अच्छा बताइए कितना व्यक्ति देखते हैं बोलता है ना, आ रहा है शिवरात्रि दूध न चढ़ाइएगा, छठ आ रहा नदी में दूध न ढारिएगा, बर्बाद हो जाता है,
हम कहते जो होना था वो आप चुप रहिए, जा रहा है मेरा, आप कौन होते बोलने वाले, हम तो कहते इंजॉय करके दीपावली मनाइए, ठीक है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्लियर। तो हम कभी किसी चीज के रोकते नहीं, बस केयर करिए, हाथ बम न फोड़ लीजिए, ये सबसे केयर करने की बोलते, धुआं छोड़ा जी क्या दिक्कत है, आपको रोकने को रुक जाएगा क्या, नहीं नहीं सब चीज तो मैंने देखिए, इधर देखिए बताते हैं, मिठाई डॉक्टर मना कर दिया, शुगर हो जाएगा, दूध ये सब चढ़ाना सब मना कर दिया, धर्म सब की यहां चढ़ाता इन्वेस्ट रहता है, पॉल्यूशन बम फोड़ना मना कर दिया, तो क्या कहते हैं दीपावली कैसे मनाए, हाल ही में जाके हाँ कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करिए। अब देखिए बहु, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए पहला सत्याग्रह किया, 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए, मैंने बहु 1901 में, देखिए इधर दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने कि कब चलना वापस आना सोचा, सोचे 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे आपस लौटेंगे, मैंने बोला दक्षिण अफ्रीका में कि हम जा रहे हैं भारत, अगर आपको कभी भी दुख समस्या हो तो हमें तुरंत कॉल या लेटर लिखे, हम पुनः वापस आके सत्याग्रह करेंगे, जब भी आपको समस्या हो आप हमें याद कर सकते, कोई दिक्कत, जैसे हम बोलते हैं बहु जब नहीं, आप लोग हमें एक बार बताइए कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट या प्रॉब्लम है तो हम आकर क्या आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा सकते, ये नहीं कर सकते, हमें आपके बदले एग्जाम थोड़ी दे सकते हैं, हमारा खुद एग्जाम है, लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अमेरिका पुनः गए, देखिए बहु दक्षिण अफ्रीका भारत कब, महात्मा गांधी कब गए थे पहला बार 1893 में, दूसरी बार कब गया बहु 1902 में, कोई दिक्कत, भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग ने वकालत का दफ्तर खोला, देखिए बहु 1903 में बहु कब बहु जोहान्सबर्ग, पूरा डीजे बजा रहा क्या दिक्कत है, 1903 में जोहान्सबर्ग ने वकालत का दफ्तर खोला था, देखिए बहु डेटिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लंदन कब गए महात्मा गांधी, आ कब गए, काहल गए थे वकालत के पढ़ाई करने के लिए, और दक्षिण अफ्रीका पहली बार कब गए, चल वहां नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना के किया के किए महात्मा गांधी, कब किया 1901 में, वापस चले आए 1901 में, क्या चलाए बहु क्या कह के आए, अगर आपकी समस्या हो फिर हमें याद कीजिएगा, हम पुनः आएंगे, दक्षिण अफ्रीका में समस्या फिर कब आया, फिर महात्मा गांधी पुनः कब गए 1902 में, 1903 में जोहान्सबर्ग ने वकालत का दफ्तर खोला, कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत है कोई हार्ड हिस्ट्री, अरे ये मेरा पूर्वज है इसे कैसे भूल सकते हैं, दादा के दादा कब मरे कैसे मरे सब सब याद रखना आप लोग को, धर्म है आप लोग के दादा जी के नाम पूछे ठीक है, लेकिन दादाजी के पापा का नाम पूछ ले आप लोग घबरा जाइएगा, घबरा जाइएगा, अगर उनके पूछे तो हवा जाइएगा, उनके दादाजी पूछे तो हवा जाइएगा, घबरा ना हवा जाइएगा, की पूछ रहा है, आप लोग अपना घर में दादा पूर्वज का नाम जानिए, वो क्या थे क्या करते थे ये सब भी जानिए, जानते हैं आप 5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, कितने क्या खाते होंगे सोना चांदी आ? क्या खाइएगा आप 10 बिलियन कमा रहे महीना में, क्या बेड पेंस होते हैं, नींद खरीद लीजिएगा आ? वो खरीद लीजिएगा, जो मजा गरीबी में वो मजा कुछ में नहीं है, समझ आया, गरीब को देखते हैं खाना पर किस तरह टूटता है, लोग कभी खाना नहीं खाया, अमीर आता खाया 4 बार मुंह पोछेगा रख दो कल खाएंगे फ्रिज में, समझ आया, ये सब बातों को समझिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाबू जूता का नाम सुने, जूता चप्पल कपड़ा
साइकिल, मोटरसाइकिल, यूनिफॉर्म, लिपस्टिक, फेस क्रीम, बुक। जिंदगी में एक ओके आवश्यकता है। एक चप्पल से जिंदगी चलेगा? आज जिंदगी के लिए नहीं था, एक कपड़ा के लिए भी नहीं था, एक किसी और के लिए था। समझदारी नहीं बता, समझदार व्यक्ति के लिए संकेत काफी है। समझ रहे हैं क्या बोलना हम चाह रहे हैं? समझ जाइएगा बात, दूर से हम बोले हैं। चलिए बहु, अब 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार काले वाली सॉरी काले नाक कलेन कलेन वास होता है, यहां लिख दिया गलत, कलेन वाक। 1904 में दक्षिण अफ्रीका डी एफ देते दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, डी ए देते दक्षिण अफ्रीका, कोई दिक्कत? अफ्रीका में शिल्पकार शिल्पकार कालेन वाक कालेन वाक की मदद से फिनिशर फर्म की स्थापना की। फिनिशर फिनिक्स होना चाहिए, टाइपराइटर बहुत गलती करता है। देखिए बहुत तुमसे पूछा जाएगा, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी के बहु। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की, कब किए? एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा अब। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना किया किसके सहायता से? समझ में आया? किनके सहायता से? कालेन वाक, कालेन वाक। कोई दिक्कत? समझा गया? कभी ना पूछेगा आपसे सिंपल क्वेश्चन, जो सेटर रहता है क्वेश्चन का, टेढ़ा मेढ़ा घुरा पूछेगा। हम भी सेटर से कम नहीं, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ा देंगे, ठीक है? आप सोझा सोझा आंसर मार दीजिएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ऑप्शन नामक नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी। महात्मा गांधी एक पत्रिका लिखा था, कहां? दक्षिण अफ्रीका में। उसका क्या नाम था? इंडियन ऑप्शन। कोई दिक्कत बो? कोई दिक्कत नहीं ना। लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुए, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। मैंने सब भाषा में हुआ था, क्या भाषा में हुआ था? उर्दू में नहीं हुआ था। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत? महात्मा गांधी एक पत्रिका लिखे थे, उनका नाम क्या था? इंडियन ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन किया था? कमेंट में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत? अब आते हैं 1906। इतना आ गया डेट समझ में? इरेज कर दे इसको, मिटा दे। हम बोले ना हमको पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, तो पढ़ाने का जो मजा दिखाते ना, अच्छा अच्छा आदमी के टेंगरी तोड़ देते पढ़ाते मैं टीचर के। यहाँ देखिए जानते हैं, हम देखते हैं 8 पढ़ा रहा है 200 रुपया, 9 गया 300 रुपया, 10th गया 500 रुपया, 12th गया 800 रुपया मंथली फीस। अच्छा हमको ये समझ में आ रहा है, आप अपने एक घंटा दे रहे जी, तो फिर पैसा बढ़ कैसे रहा? इसका मतलब गरीब आदमी सब्जी ले जाएगा 10 रुपया, हल्का सा मिडिल क्लास जाएगा 40 रुपया, उससे भी अमीर जाएगा 50 रुपया, पूरे अमीर जाएगा 300 रुपये किलो, सब्जी वाला बेसी बेचेगा, समझिए आप तो उसको तो बेसी भाग देखते हैं। अमीर से अमीर व्यक्ति सब्जी लेता जाएगा ना, बोलेगा 30 रुपये किलो, हट 25 रुपये ना दीजिएगा। अच्छा आपको पैसा कमी नहीं है, सब्जी वाला 10-5 का कम करा रहे हैं, सब्जी वाला तरीके बिगा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है आप कितना रहे से, उसको ही पता है। समझा ना? कोई दिक्कत बो? हम लोग कहां देख लेते? 1904 तक ले देख लेते, कोई दिक्कत? अब आते हैं 1906। कोई दिक्कत बो? आजीवक ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था के बो? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत? एशियाटिक आर्डेंसिस विरुद्ध के जोहान्सबर्ग ने प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। देखिए बो, इस एशियाटिक जो बहु था, एक सत्याग्रह था, उसे क्या स्टार्ट किया था बहु? जोहान्सबर्ग ने। कोई दिक्कत? 1907 में ब्लैक एक्ट, क्या बहु? 1907 में
ब्लैक एक्ट। दिक्कत भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों ने जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। देखिए बहु क्या बो भारत के लोग एशियाई लोग जबरदस्ती ये सत्याग्रह आरंभ किया था। क्या बो ब्लैक एक्ट। कोई दिक्कत बहु 1907 में अंग्रेज जितना भी नाम रखा अंग्रेज को पता नहीं क्या ब्लैक लोग से इतना नफरत का है था। जो भी कुछ हत्या हुआ ब्लैक हत्याकांड, कुछ भी हुआ ब्लैक लोग ब्लैक सत्याग्रह, कुछ भी नाम रख दिया क्या बहु ब्लैक सत्याग्रह। हेलो और ठीक है सर। हो गया, बड़ी कॉल आता फोन घर में छोड़ के आना पड़ेगा, कोई दिक्कत। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग ने प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी किया था। तृतीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए थे। कोई दिक्कत बहु 1908 में जोहान्सबर्ग ने क्या किया था बहु कारावास। कारावास समझते हैं सजा, जेल में सुना था कारावास कारागार। कारागार शब्द होते हैं सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग। प्रथम बार कारावास, कारावास दंड आंदोलन क्या बो जारी किया था। ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए बहु 1908 में पहली बार गांधी को जेल हुआ, माने पहला बार गांधी जी जेल कब गए थे 1908 में। कोई दिक्कत आज की क्लास में पहला बार अंक डाल रहे हैं, ये भी हो गया 2023 में क्या ये लग रहा है तुमको, तुमने हमको संकोच में कर देता जी। फिर फोर आ गया, अभी हॉल नंबर 2 क्लास से आया। हाँ हाँ कल पढ़ा के पूछ रहे छुट्टी कब से देते, बच्चा आज से मांग रहा है। हमरा बस में रहे ना सब, आप ही लोग के साथ मना होली दशहरा दीपावली सब मना ले आप ही लोग के साथ है, लेकिन क्या करे मजबूर है। असल में खुश नसीब होता है वो व्यक्ति जिसे इतना सारा स्टूडेंट भैया कह के बुलाए सर, तो सर ना एक भाई की कितना बन संभव, एक दो गो तीन गो इतना सारा है, एक लड़का का भाई कई गो होगा इतना सारा, कहीं भी खड़ा होता है आप लोग एक ही चीज बोलते है समझ भैया, बस रिलेशन जुट गया तभी इतना मारपीट क्यों पढ़ाते हैं अपना मानते हैं, तो ऐसे भी मार सकते हैं किसी को। गांधी जी को पहला जेल कब, पहली बार जेल कब गया 1900, देखिए डेट एक बार बात करते रहिए 1908 में गांधी कहां गए थे जी, महात्मा गांधी कहां गए थे जेल। कोई दिक्कत, महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे 1908 में। कोई दिक्कत, जून 1909 में ईस्वी में भारतीय का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में वापस के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी जून 1909 कितना बहु जून 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका वाप माने अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड गए थे, कहां गए थे इंग्लैंड। महात्मा गांधी पहली बार इंग्लैंड कब गए थे 1909 में, क्या करने के लिए पहले भारतीयों का पक्ष रखने के लिए महात्मा गांधी कहां रवाना हो गए इंग्लैंड। कोई दिक्कत बहु, और जाते समय जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, या बहु महात्मा गांधी पहली पुस्तक कब लिखा 1909 में,
क्या भाव? 1909 में के लिखा पुस्तक हिंद स्वराज, क्या भाव? हिंद स्वराज। बताइए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, कहां लिखा था? जहाज पर बैठले बैठले पुस्तक लिख दी है, कोई दिक्कत? कहां जा रहे थे महात्मा गांधी? इंग्लैंड। पहली बार दूसरी बार? काहेल जा रहे थे? ना महात्मा गांधी घूर लाए थे, कहीं नहीं गए। जब भी गए सत्याग्रह करने के लिए, गए किसी समस्या के समाधान के लिए, पहली बार भारतीयों को जो प्रॉब्लम हुआ उनको उनका केस लेके कहां गए? इंग्लैंड गए थे। कब? 1909 में। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते थे, हम लोग को उल्टा सीधा पढ़ाया गया था, चौथा पचमाला व्यक्ति हिस्ट्री हम लोग को पढ़ाता था, महात्मा गांधी खराब है। एक जगह कोई बता दे कि महात्मा गांधी खराब है हमको, ठीक है? महात्मा गांधी से भले इंसान आज तक हमने देखे, हमको भी पहले महात्मा गांधी जब नहीं बताते हैं, जब आप अगर आपको कुछ पते नहीं है, आप लोग अभी एक कच्चा बांस की तरह है, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाइएगा। अभी हम महात्मा गांधी बोले 2013 मर गया, मान लीजिएगा नहीं ना, अगर हम बोल दे 1907 मर गया तो मान लीजिएगा, हो सकता है आपको पता नहीं है, ठीक है? अगर पता ना रहने पर आप लोग को उल्टा सीधा पढ़ा दिया जाए तो आप लोग मान ही लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को पहले से भ्रमित कर दिया गया था, जब 4, 5, 6 में पढ़ते थे दादाजी महात्मा गांधी खराब थे, सुभाष चंद्र बोस को मरा दिया। अरे ऑप्शन कुछ नहीं था, आप हिस्ट्री पता नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजर स्टूडेंट कौन होता है जिसको आधा हिस्ट्री पता है? क्या आधा? आधा जो पढ़ रहे ना वो बीचे बीचे में टोकेगा, नहीं भैया ऐसे हुआ था, नहीं सर ऐसे हुआ था। आप कैसे हुआ है छोड़ दीजिए, आप शुरू से पढ़ लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? 1910 आते हैं, क्या भाव? 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में है। देखिए भाव, 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय की फार्म की स्थापना किया था कि महात्मा गांधी, अभी उसका नाम क्या है? गांधी आश्रम। आप लोग कमेंट में बताइए गांधी आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1910 में। कोई दिक्कत? 1910 में क्या हुआ जी? गांधी आश्रम किसके निकट? जोहान्सबर्ग टॉल्स्टॉय। कोई दिक्कत? टॉल्स्टॉय होता है, क्या होता है वो? टॉल्स्टॉय या टॉय? टॉय होना चाहिए, टॉप लिख दिया, टॉप माने ऊपर, टॉल्स्टॉय होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अभी अभी वर्तमान में उनका क्या नाम है भाव? गांधी आश्रम। कोई दिक्कत? 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह किया महात्मा गांधी। 1913 में कौन सत्याग्रह किया? रंगभेद और दमनकारी के विरुद्ध 1913 में। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा भाव, महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जिसमें 2000 भारतीयों खदान कर्मियों ने निकाल से नेटाल तक की पैदल यात्रा की, पद यात्रा में समझते हैं वो, पद यात्रा चलकर 2000 था उसमें, 2 से 2000 क्या था वो? मजदूर सब यह सब था। कोई दिक्कत? वो स्टैंडर्ड क्वालिटी में उसमें नेतृत्व नहीं किया था वो, उस सत्याग्रह का नेतृत्व किसके किया था वो? महात्मा गांधी ने। कोई दिक्कत? अब समझिएगा बहु, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? राजनैतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाव, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूप से विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली है। बताइए भाव आप लोग, महात्मा गांधी के आंदोलन की स्वरूप या प्रेरणा किससे मिली थी? टॉलस ने, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। कोई दिक्कत? इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से हुआ था। क्या बहु? महात्मा गांधी दो, देखिए बहु, महात्मा गांधी की बहु दो प्रकार के, एक आंदोलन, क्या बहु? आंदोलन, आंदोलन की प्रेरणा किससे बहु? लियो टॉल्स्टॉय से, लियो टॉल्स्टॉय से। कोई दिक्कत? प्रेरणा इससे मिलती थी। आंदोलन की प्रेरणा किससे? लियो टॉल्स्टॉय से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। कोई दिक्कत बहु?
आ भूख हड़ताल बहो जर्मन वैज्ञानिक रस्किन से, मैंने भूख हड़ताल की बहो महात्मा गांधी भूख हड़ताल किसे सीखा था, भूख हड़ताल के बहो रस्किन से। कोई दिक्कत, रस्किन कहां कराने वाला था जी, जर्मनी के। कोई दिक्कत, तुमसे पूछा जाएगा बहु आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी किस किन से मिलती है, लियो टॉल्स्टॉय से। अब भूख हड़ताल रस्किन से, रस्किन कहां के निवासी थे, जर्मन के। कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक ले। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। देखिए बहु सचिव के मतलब क्या होता, सलाहकार। महात्मा गांधी के सलाहकार कौन थे, महादेव देसाई। महादेव देसाई क्या थे, सचिव। किनके सचिव, महात्मा गांधी का। सचिव का अर्थ क्या होता है बहु, सलाहकार। महात्मा गांधी को सलाह कौन दिया करते थे, महादेव। कोई दिक्कत बहु, बोले ना, कोई दिक्कत। अब आते बहु महात्मा गांधी की उपलब्धियां, यहां तक सबको समझ आ गया जी, किसी को दुख समस्या, एको परसेंट, सबको बात समझ में आ रहा है ना, मिटा दे। अब आता है क्या, उपलब्धियां आते हैं, एक एक टॉपिक सब टॉपिक पढ़ा देंगे आप लोग को यहीं पे, और हटाएंगे तक नहीं, सिर्फ बोला बोला कीजिए, हमारे साथ बोलते जाइए, आप लोग को याद होते जाएगा। देखिए शिवम कुमार अभी तो है छोटा क्लास लेकिन तगड़ा पढ़ रहा, उपाधियां होता है ये। कोई दिक्कत, देखिए इधर, अंग्रेजों ने गांधी जी को राज सार्जेंट, सार्जेंट होता है राजजेंट लिख दिया, सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत भारतीयों को भर्ती करवाया था। कभी कभी कुछ बात जो होता है किसी को मदद करने जाते, क्या बहो, मदद करके भी बदनाम हो जाते हैं। भारतीयों को अंग्रेज के सेना में भर्ती कराया था, के बहो महात्मा गांधी, काहेल कराए थे कि सोचा बहुत बेरोजगारियां भारतीय है, लाओ नौकरी लगवा देते हैं, अगर हमारा कहे लग जाता है तो हमारा क्या पता, नौकरी लगावे से अंग्रेज मजबूत हो जाएगा, हम सोचे गरीबी दूर करेंगे नौकरी लगा के, आ क्या हुआ वहां अंग्रेज मौजूद हो गया, आ कुछ भारतीय सोचने लगा महात्मा गांधी तो सब सेना भर्ती कराती हूँ तो 2000 ये था, समझा यार, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी उसके जगह पे रखा, आप सोचिए जिसे हम अभी पढ़ा रहे हैं ना जी, हो सकता है कल हम नहीं पढ़ाए, हो सकता है हम खुद जॉब पे चल जाए, हो सकता है पढ़ाए, ठीक है, हम चाह रहे हैं अभी आप लोग को फ्री पढ़ाएं, हम यहाँ टीचर रख के जाए, हो सकता है टीचर आप लोग के मंथली फीस रख ले, बोलेगा ना बाबू सबको मंथली फीस लगेगा, कंपटीशन देखो बिहार एसएससी के एक पैसा नहीं लेते, फ्री पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या जरूरत है, अगर हम टीचर रख दे रीजनिंग वाला वो बोलेंगे हम 700 रुपये मंथली लेंगे, कोई मंथली लेगा, अभी हम इसीलिए भाव कम है आप लोग को, और आप लोग अभी ये पढ़ लीजिए, चल गए फिर निपट जाइएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या सोचे थे बाबू, कि हम भारतीयों को नौकरी लगाते हैं कुछ तो गरीबी दूर होगा, अगर उल्टा समझ गया सब, कि अंग्रेज को स्ट्रॉन्ग कर दिया महात्मा गांधी, मिला ले अंग्रेज देने से, इसी तरीका से गंदा सोच, जो व्यक्ति का सब कुछ बदल दीजिएगा, जिसका सोच आपके प्रतीक है ना, नहीं बदल पाइएगा। अगर हमारा प्रतीक आप लोग गलत सोच लिए हैं तो हम कितनों बेस बेस बात बोलेंगे, आप लोग हमको अच्छा नहीं बोले, क्योंकि आपका सोच खराब हो गया, समझे। राजजेंट कहते थे, किस राजजेंट की उपाधियां क्या दिया था, पहला उपलब्धियां क्या दिया था बहु, सार्जेंट के, क्या बहु, सार्जेंट, जेंट होता है डेन है, सार्जेंट की उपाधियां क्या दिया था अंग्रेज ने, कोई दिक्कत, क्लियर। अब सुनिए बहु, अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी, माने वो अंग्रेज को प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी हेल्प किया था, उसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, क्या चीज के बहु, कैसर ए हिंद, बताइए बहु कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों मिला महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में अंग्रेज ने क्या किया, बहुत सारा हेल्प किया था, किनको, अंग्रेज को, तो अंग्रेज ने कैसर ए हिंद की उपाधि दिया किसको बहु,
महात्मा गांधी को, कोई दिक्कत? महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? कैसर ए हिंद को अंग्रेज ने, क्यों? क्योंकि मदद किया था प्रथम विश्व युद्ध में। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। अब वो महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी जी? रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? काहेले? चंपारण सत्याग्रह सफलता पूर्वक से हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा मान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कोई दिक्कत? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। कोई दिक्कत? क्लियर बहु? कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेज ने, क्योंकि बहु प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के अंग्रेज को हेल्प किए थे के महात्मा गांधी। कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही है ना आप लोग को? देखिये बहु, अक्सर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दो ही चीज समझ में आता है व्यक्ति को, गलत संग और गलत रंग। ठीक है, सही किताबें, सही बुक्स, सही लोग बहुत देर से समझ में आते हैं। आज हमको समझ में आता है कि हमारे मम्मी पापा जो मारते थे स्कूल जाने के लिए, कितना अच्छा काम करते थे। आराम उस टाइम सोचते थे हमको बड़ा हो जाने दो, हम घर नहीं आएंगे, एकदम नहीं बात मानेंगे। आज समझ में आ गया कि जितने भी करते हैं हमारे अपने अपने लिए ही नहीं करते हैं, आपके लिए ही करते हैं। अच्छा बताइए, अभी स्कूल मार के भेज देते थे, सोचिए उनमें उनका क्या फायदा? सोचिए अगर अभी आपको पटना भेज दिए मम्मी पापा पढ़ने के लिए, तो उनका क्या फायदा? उनका है कोई फायदा? भेज तेरा आपके लिए, सोच सोच की बात है। समझ में आया? सब सोच पे न बोले, गंदा सोच गंदे लोग कभी ना सुधरेंगे। जवाहरलाल ने इन्हें बापू को उपाधि दी बहु, महात्मा गांधी को बापू कह दिया। जवाहरलाल नेहरू को दिक्कत? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता दिया। राष्ट्रपिता बहु, राष्ट्रपिता क्या बोला बहु? सुभाष चंद्र बोस। क्या बहु? विंस्टन चर्चिल, जिसको बोलते हैं वो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, विंस्टन चर्चिल, इन्हें अर्ध नंगा फकीर कहा था। क्या वो? अर्ध नगन होता है, अर्ध नगन। डाय कहा था किन फकीर? क्या बोला था वो? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। कोई दिक्कत? ये प्रधानमंत्री था वो, कहां के? इंग्लैंड के। विंस्टन चर्चिल कहां के थे? इंग्लैंड के, आप प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। काहेले? आधे धोती कुर्ता ओढ़ता था। क्या बहु? देखिए बहु, महात्मा गांधी पहले पूरा धोती ओढ़ते थे। क्या बहु? महात्मा गांधी जो होता है ना, पहले पूरा धोती ओढ़ते थे। एक कहानी है, एक लेडीज थी कहीं नहा रही थी। क्या बहु? एक लेडीज कहीं नहा रही थी। देखिए बातों को समझिएगा, कहानी है, नहा रही थी, महात्मा गांधी उन्हें देखे थे, वो औरत नहा रही थी, उनके पास एक ही साड़ी था। वो लेडीज के पास कितने साड़ी? एक ही साड़ी था। साड़ी नहाया, आधा साड़ी धो दी, आधा साड़ी पहने हुई है। क्या बहु? आधा धो दी, आधा पहने हुई थी, फिर आधा सूखा, फिर आधा पहने, फिर आधा धोई। सोचिए बहु, इस ढंग से वो अपना नहाने की प्रक्रिया पूरा की। महात्मा गांधी उनसे देख के सीख मिला, जब ये लेडीज जो है आधा साड़ी में अपना बसेरा कर सकती है, तो आधा साड़ी आधा धोती हम क्यों नहीं? कभी भी महात्मा गांधी देखिएगा, एक धोती अगला पेट ले रहा, तो लपेट लेते हैं जी। अब समझ में आया, महात्मा गांधी आधा धोती काहे पहनते थे? आप लोग जो इतिहास गलत सलत पढ़ाता है उनसे पूछिएगा कि महात्मा गांधी आधे धोती काहे पहनते हैं, बता देता हूं जाने। समझ आ गया कि अगर आप में मानवता जिंदा है, किसी को देख के अगर आपको दर्द का महसूस हो रहा है, तो आप में समझ जाइए इंसानियत जिंदा है। अगर किसी को तकलीफ में देख के आप खुश है, समझिए आप में इंसानियत मर गया। समझ आया? इसीलिए हमको समझ में आता है, ठीक है, हमको समझ में आता है कि हम कितना मुश्किल से पढ़े हैं। सिक्स क्लास से हम खुद पे डिपेंडेड है, जैसे तैसे करके हम पढ़े हैं, किसी के यहाँ काम करके, किसी के यहाँ कुछ करके, मैंने जैसे तैसे अपना बसेरा कर लिया। इसलिए आज के डेट में हमारा पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हम दशहरा दीपावली तब सब मिस कर सकते, लेकिन आप लोग को नहीं समझा, सब छोड़ सकते। स्टूडेंट हमारा बहुत नजदीक है, हम हर बार बोलते हैं, और आप लोग हमारे एक फीट की दूरी है, समझा, इतना नजदीक है इतना दूरी कोई नहीं, कोई दिक्कत दो। फकीर का उपाधि क्या दिया था महात्मा गांधी को? चर्चिल। कहां के पीएम था वो? इंग्लैंड के। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, आप बहु, शेख मुजीबुल ने इन्हें जादूगर कहा था। जादूगर की उपाधि क्या दिया था बहु? देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, जादूगर क्या कहा था? जादूगर वो शेख मुजीबुल को दिक्कत, जादूगर कहा था। खुदाई दिखमगार स्थान के मंगल बाबा को उपाधि दी, खुदाई खिदम, खिदमत होता है, खिदमत क्या बोले थे? मंगल बाबा। मंगल बाबा क्या बोला था बाबू? खुदाई खिदमत। खुदाई खिदमत क्या बोला था? मंगल बाबा। मंगल बाबा क्या बोला था महात्मा गांधी को? खुदाई खिदमत। अब आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 या 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। हाड़ मांस समझते हैं, पतले दुबले महात्मा गांधी को स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर नहीं था। आइंस्टीन बहु, क्या बहु? आइंस्टीन ने ऐसा कहा था 100 या 200 साल में ऐसा कोई व्यक्ति आया तो जाने, लेकिन ऐसा आने वाला नहीं है। देखिए बहु, कपड़ा लत्ता रोजी रोटी खाना पीना खेला पीटी सोना चांदी सब आपको मिल जाए जितना जीवन व्यापन के लिए हो, क्या आप इतिहास में कुछ कर सकते हैं? इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास हमेशा कौन बनाता है? जो गरीबी देखा हो, जो प्रॉब्लम से लड़ता हो। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो आप क्या कुछ कर लीजिएगा? कुछ कर लीजिएगा नहीं। देश गुलाम था इसीलिए सब नायक है। अगर अभी भी देश गुलाम होता तो हजारों महात्मा गांधी हजारों खुदीराम बोस आते। कोई दिक्कत? हर व्यक्ति में बोलते हर व्यक्ति में खुदीराम बोस की शक्ति है। क्या उनमें दो किडनी थी, आप में दो किडनी नहीं है? उनमें चैम्बरों की संख्या 4 था, आप में नहीं है? समय आने पर ताकत की शक्ति दिखाया जाता है, ऐसी ताकत की आजमाइश नहीं किया जाता है, समझ में आया? जब बहु, अभी देखिए एक लेडीज को अगर कोई 4 लड़का कुछ बोलता है तो मुंह झुका चल जाता है, लेकिन एक लड़की की इज्जत की बात आए तो वह 4 लड़की 400 बराबर हो सकती है, ठीक है? नहीं बोलता, लड़की काली के अवतार होती है, कौन देवी कखने की होता है कोई पता नहीं चलता, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं गुलामी में ही इतिहास बनता है, ऐसी कहां स्वतंत्रता में कोई इतिहास बनाएगा? नहीं बनाएगा। कोई दिक्कत? जिसे इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, मैंने बोला था आइंस्टीन ने, आइंस्टीन सोचिए कितना बड़ा, आइंस्टीन एक नेता था, सॉरी क्या था, बहुत साइंटिस्ट था। महात्मा गांधी को खत लिखा के आइंस्टीन बोला आप को हमसे मिलना, सॉरी हमको आपसे मिलना है। महात्मा गांधी क्या रिप्लाई दिए? जब फ्री होंगे आपसे मिल लेंगे, अभी हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या बहु? और अभी लिख दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यही लिख दे, छोड़ नीतीश कुमार के पास लिख दे कि हमसे आप में मिलना। नीतीश धोती गमछा कसेगा, निकाल गाड़ी, चला आइंस्टीन से मिले रे, काहेले ओकर पार्टी में खाली बोल दीजिए ना कि हम नीतीश के साथ गिगैल चलेगा। सोचिए हम नेता हुए होंगे, कुछ ही बोलते हैं महात्मा गांधी, मिलने तक नहीं गए किन से? आइंस्टीन से। फिर भारत के कोई नेता का आइंस्टीन लेटर अभी लिख देता तो ये दौड़ल भागल जाता भूखे प्यासे कि चलो मिलना है। आइंस्टीन के हलकम ले है, ईएमसी स्क्वायर का प्रतिपादन आइंस्टीन किया था, ठीक है? आइंस्टीन नहीं, आइंस्टीन का नाम सुने हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, सुनिएगा साइंस पढ़ाएंगे तो। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आए। फिर बहु, 9 जनवरी 1915 को क्या किए महात्मा गांधी भारत लौट आए? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। किस खुशी में? साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह करके महात्मा गांधी वापस लौट आए। कोई दिक्कत? तो इसी में क्या होना चाहिए, प्रवासी दिवस मनाया जाता, कोई दिक्कत? उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम की स्थापना किया, जो आगे चल के साबरमती आश्रम के नाम से जाना था। बताओ, बताइए बहु, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी बहु। कब बहु? 1915 बहु। साबरमती आश्रम की स्थापना के किए
महात्मा गांधी ने कोई दिक्कत, इस आश्रम के लिए धन अंबाला साराभाई ने दिया, मैंने पैसा क्या दिया था, अंबाला साराभाई बोलिए, कोई दिक्कत। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहते बहु, इस आश्रम क्या कहते बहु, कुटिया हृदय कुंज कहलाता, कुटिया हृदय कुंज कहलाता है किनका, महात्मा गांधी का, कोई दिक्कत। 1916 ईस्वी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, कांग्रेस अधिवेशन में भाग प्रथम बहु 1916 में बहु क्या बहु कांग्रेस अधिवेशन में बहु महात्मा गांधी ने भाग लिया था बहु। अध्यक्षता अंबिका चंद्र ने जमुमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन में राजकुमार शुल्क ने गांधी जी को चंपारण के नीले जमींदारों को तीनकठिया पद्धति, तीनकठिया मैंने समझते हैं बहु ना, तीनकठिया तीन ऊपर बीस, बीस कट्ठा बहु तीन कट्ठा नील की खेती कराता था, वो दिक्कत, तीनकठिया मतलब समझ गए, बीस कट्ठा में तीन कट्ठा किसकी खेती, नील की खेती है, जहां नील की खेती होता था वो जमीन क्या हो जाता था, बंजर, अभी आगे पढ़ाएंगे, जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने की आग्रह किया। महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे किसने बहु, राजकुमार शुल्क ने, क्या बहु, क्यों बुलाए थे कि आइए यहाँ पर, यहाँ भी एक सत्याग्रह कीजिए, आपका जरूरत है, किस लिए, तीनकठिया पद्धति लागू है यहाँ पर, अंग्रेज जबरदस्ती हम लोग को ये काम कराता है। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण, 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह ने साथ ही महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी के साथ कौन कौन चंपारण गए थे अभी हम पढ़ाए, राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह किसके साथ गए थे, महात्मा गांधी के साथ, कहां गए थे, चंपारण, चंपारण बुलाया था कौन, राजकुमार शुल्क, वहां सफल सत्याग्रह किए और अंग्रेजों ने तीनकठिया पद्धति समाप्त कर दिया। यह आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था, नीले जमींदारों के विरुद्ध था, कोई दिक्कत हो, यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन रहा बहु, महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कहां, चंपारण में, जो भारत के था। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी का पहला सब कुछ ही बोलता उसको सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया, अगर पहला सत्याग्रह कहां किया जी, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सफल कहां रहा, भारत के सफल सत्याग्रह पहला चंपारण सत्याग्रह, कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखिए बनाइएगा, पॉइंट पूछिएगा, भारत में सफल सत्याग्रह कहां रहा महात्मा गांधी का, क्या लिखिएगा, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गए थे, के बुलाया, कब गया, क्यों किया, दिस दैट आप लोग खुद लिख के बनाइएगा ना, तो आप लोग क्या हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा और आप लोग को ठीक ठाक से याद भी हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक बनाइएगा, वन लाइनर क्वेश्चन जैसा, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन जैसा बनाइएगा आप लोग कॉपी में, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग क्या हो जाएगा क्लियर। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, 1918 में महात्मा गांधी क्या किया जी, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़ते हुए टैक्स को माफ करा दिया। एक खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया गया, किसान पर जो टैक्स लगता था बढ़ते हुए टैक्स, आज 2 लग रहा, 4 लगेगा, 6 लगेगा, इसे क्या कर दिया, माफ कर दिया, इस सत्याग्रह से माफ करा दिया गया, कोई दिक्कत। अब देखिए बहु, टैक्स के मतलब क्या था, चुंगी, चुंगी मतलब क्या होता, आप कर कुछ नहीं रहे, ले सब कुछ रहे, समझाया, हम देखिए बहु, हम कहते हैं ना सरकार को दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, पहला जो टैक्स जीएसटी काटते हैं एडुकेशन पे, क्या काटते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप क्या काट रहे हैं, आप फ्री कर दीजिए, हम क्लास पूरे फ्री कर देंगे, नहीं कमाएंगे पैसा, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा कुछ काम कर ले, 4 घंटा काम करेंगे हमारा जिंदगी व्यापन हो जाएगा, 6 घंटा फ्री पढ़ाएंगे, समझाया, क्या दिक्कत है, करने की चाह नहीं हो, जैसे बोलता है ना वो, एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, हम कहते हैं 10 टीचर मिलके एक राज को संभाल लेगा एजुकेशन के, अकेले पटना में खान सर संभाल ले सबके, समझाया, हम इधर नहीं संभाल सकते हैं, संभालिए लेंगे इधर तो 10-15 टीचर मिलकर पूरा एजुकेशन संभाल लेगा, नहीं कमाएगा 10-15 टीचर, क्या दिक्कत है, इतना तो भाई बहन है, किसी के खाना पीना मिल ही जाएगा,
की जरूरत है कमाने का। ठीक है, महात्मा गांधी के आंदोलन के चार चरण थे, कितने बहु? महात्मा गांधी के आंदोलन कितने चरण थे? चार चरण। चार चरण पढ़ा के कर देंगे क्या छुट्टी? ठीक है, मैं आज छुट्टी, दीपावली छुट्टी ना समझ जाना, क्योंकि देख रहे हैं बाहर बच्चे आ चुके हैं पिछला क्लास वाला। सर चरण खाली लिख देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के आंदोलन के चरण कितने थे? महात्मा गांधी के आंदोलन के चरण कितने थे? कौन कौन? सत्याग्रह, कितने बहु? पहला सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहु बहिष्कार, चौथा हड़ताल। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण? एक बोलता था महात्मा गांधी, एक मान गया तो मान गया, नहीं तो फिर हम और कुछ करेंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी होता है ना लात मारने से सह के हाथ जोड़ लीजिए तो दिक्कत। गेट देखें, गेट दोनों तरफ लगा रहता है बुआ, दोनों तरफ क्या लगाता है? छिटकिन, जिसको बोलता कुंडी। आप उधर से बंद किया, हम इधर से बंद कर देगा। आप हमसे नहीं बोले, हम ऐसे मुड़ी घुरा लेंगे, हो गया मेटर क्लोज। समझाया? महात्मा गांधी बोले थे को अगर पहला गाल में चाटा मारे दूसरा बढ़ा दिए, दूसरा मारे नहीं बोले थे फिर लतिया दीजिए उसको। समझाया? ये नहीं बोले थे पहला कोई मारे दूसरा बढ़ा दीजिए, दूसरा बढ़ा दे महात्मा गांधी बोलवे नहीं कि क्या बोले, मार तू भी गर्दा उड़ा के। समझाया? अगर प्यार से कोई चीज मान जाता, कोई क्या भाव, प्यार से कोई चीज मान जाता। कन्हैया जी देखे कृष्णा जी को बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं कराता, पूरा महाभारत करवा दिया। प्यार से माना था कोई? नहीं माना था। अगर आप कितना व्यक्ति प्यार से मान जाता तो लड़ाई होता हो भी नहीं करता। तो वो आंदोलन महात्मा गांधी किसे कह चरण? पहला सत्याग्रह करते थे, पट्टा तो पट्टा, नहीं तो फिर बहु नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, बात मान लीजिए। फिर बहु बहिष्कार, बात नहीं मानिएगा तो आपका सामान नहीं कर देंगे, अंग्रेज लोगों को कहता था, पूरा बहिष्कार करता था। हड़ताल, अब हट जाओ, शाम दर दाम भेजता अपना लेते थे महात्मा गांधी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।